हिंदी के लेक्चर सीरीज़ टू में हम लोग आज शब्द युग में देखेंगे और शब्द युग में के जो है लगभग 100 क्वेश्चन जो है इसमें हम लोग करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है अम्ब और अम्बु। अम्ब मीन्स होता है माता और अम्बु मीन्स होता है जल। दूसरा क्वेश्चन है गृह और ग्रह। तो गृह मीन्स होता है घर और ग्रह मीन्स होता है नक्षत्र। तीसरा है अशक्त और आसक्त। अशक्त मीन्स होता है अशक्त यानी शक्तिहीन और आसक्त मीन्स होता है मोहित। नेक्स्ट है अपकार और उपकार। तो अपकार का होता है अपकार मीन्स होता है बुरा करना और उपकार मीन्स होता है भला करना। पांचवा क्वेश्चन है अनुरोध और अवरोध। अनुरोध मीन्स होता है प्रार्थना करना और अवरोध मीन्स होता है रुकावट करना यानी बाधा डालना। नेक्स्ट है छात्र। तो छात्र में एक छात्र आपका है, इसका होता है क्षत्रिय और इस छात्र का होता है विद्यार्थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन वात और बात। तो वात मीन्स होता है वायु और बात मीन्स होता है बातचीत। नेक्स्ट है आचरण और आवरण। आचरण मीन्स होता है व्यवहार और आवरण मीन्स होता है पर्दा। नेक्स्ट है अनुसरण और अनुकरण। अनुसरण मीन्स होता है पीछे चलना और अनुकरण मीन्स होता है नकल करना। नेक्स्ट है उपयुक्त। उपयुक्त और उपर्युक्त। उपयुक्त मीन्स होता है उचित और उपर्युक्त। उपर्युक्त मीन्स होता है ऊपर कहा गया। नेक्स्ट है उत्कर्ष और अपकर्ष। उत्कर्ष मीन्स होता है उत्थान और अपकर्ष मीन्स होता है पतन। नेक्स्ट है वदन और बदन। वदन मीन्स होता है मुख और बदन मीन्स होता है शरीर। नेक्स्ट है तरणी और तरुणी। तरणी मीन्स होता है सूर्य और तरुणी मीन्स होता है युवती या स्त्री। और एक और तरणी होता है आपका, तो तरणी मीन्स होता है नाव। तो तरणी मीन्स होता है सूर्य, तरणी मीन्स होता है युवती या स्त्री और तरणी मीन्स होता है नाव। चीर और चीर, ठीक है। चीर में पहले छोटी की मात्रा होती है, छोटी की मात्रा वाले चीर का होता है दीर्घ या बहुत, और बड़ी ई की मात्रा वाली चीर का होता है एक वस्त्र। नेक्स्ट है जलद और जलद। जलज और जलधि। देखिए जल के साथ द लगता है तो बादल बनता है, जल के साथ ज लगता है तो कमल बनता है, और जल के साथ धी लगता है तो समुद्र बनता है। नेक्स्ट देखते हैं देव और देवता। देव और देवता। तो देव मीन्स होता है देव का होता है देवता, और दैव दैव का होता है भाग्य। नेक्स्ट है नीर और नीड। नीर मीन्स होता है जल या पानी, नीड मीन्स होता है घोंसला। नेक्स्ट है आगर आगार और आकार। आगार मीन्स होता है भंडार और आकार मीन्स होता है रूप। नेक्स्ट है आरत और आराती। आरत आरत मीन्स होता है दुखी और आराती मीन्स होता है शत्रु। नेक्स्ट है गर्व और गर्भ। गर्व मीन्स होता है घमंड या अहंकार, और गर्भ मीन्स होता है भीतर या गर्भधान, ठीक है। नेक्स्ट है अनिष्ट और अनिष्ट। अनिष्ट अनिष्ट मीन्स होता है बुरा, जिसमें ट है उसका बुरा होता है और अनिष्ट का होता है निष्ठा रहित। प्रसाद और प्रसाद। प्रसाद और प्रासाद। प्रसाद का होता है कृपया और प्रसाद का होता है महल या भोग। नेक्स्ट है कल्पित। कल्पित और कल्पांत। कल्पित का होता है कल्पना किया हुआ और कल्पांत का होता है प्रलय या सृष्टि। नेक्स्ट है कुल और कुल। कुल में छोटा ऊ की मात्रा होती है तो ये वंश होता है कुल का, और कुल में यदि बड़ा ऊ का मात्रा है तो ये इसका होता है किनारा। नेक्स्ट है कृपण और कृपाण। कृपण का होता है कंजूस और कृपाण का होता है कटार। नेक्स्ट है पथ और पथ्य। पथ मीन्स होता है मार्ग और पथ्य का होता है रोगी का भोजन। नेक्स्ट है परिणाम और परिमाण।
देखिए, परिणाम का होता है नतीजा या फल, और परिमाण का होता है मात्रा। एक होता है दिन और दूसरा दिन। दिन छोटी की बड़ी ई की मात्रा वाले दिन का होता है दिन, और छोटी वाले ई की मात्रा का होता है गरीब। लक्ष्य और लक्ष्य, लक्ष्य का होता है निशाना या उद्देश्य, और लक्ष्य का होता है लाख। नेक्स्ट है विधि या विधु। विधि का होता है ब्रह्मा, और विधु मीन्स होता है चंद्रमा। अवधि और अवधि, अवधि जो छोटी ई की मात्रा वाली होती है उसका काल या समय सीमा होता है, और अवधि जो बड़ी की मात्रा होती है उसका होता है एक भाषा है, अवधि एक भाषा का नाम है। मृत्यु और मत्रेय, ठीक है ना, मृत्यु का होता है मौत, और मत्रेय मत्यर का होता है मनुष्य। नेक्स्ट है उद्धत और उद्धत और उधत। उद्धत मीन्स होता है चंचल या उदंड, और उद्धत मीन्स होता है तैयार। एक होता है नीरद और एक होता है नीरज। नीरद मीन्स होता है बादल, और नीरज मीन्स होता है कमल। नेक्स्ट है द्रव्य और द्रव। द्रव्य मीन्स होता है घन, और द्रव मीन्स होता है तरल पदार्थ। नेक्स्ट है आयत और आयत। आयत, आयत का होता है चौकोर, और आयात का होता है विदेश से सामान को अपने देश में लाना। एक आयत होता है और एक आयात होता है। एक वारिद और वारिधि। वारिद का होता है बादल, और वारिधि मीन्स होता है समुद्र। अवलंब और अविलंब। अवलंब का होता है सहारा, और अविलंब का होता है शीघ्र। अविलंब यानी शीघ्र। नेक्स्ट है अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा मीन्स होता है आशा या इच्छा। उपेक्षा मीन्स होता है निरादर या अनादर। नेक्स्ट है अंत या अंत्यय। अंत मीन्स होता है समाप्त, और अंत्यय मीन्स होता है अंत का निचला, अंत का या नीचा। नेक्स्ट है अनु या अणु। अनु मीन्स होता है पीछे या उपसर्ग। अनु जो है एक प्रकार का उपसर्ग है, अनु इसका अर्थ होता है पीछे, और अणु एक जो है छोटा। अणु मीन्स होता है छोटा। नग होता है और नाग। नग मीन्स होता है पर्वत, वृक्ष या रत्न, और नाग मीन्स होता है हाथी या सर्प। नेक्स्ट है नियत या नियति। नियत का होता है निश्चित, और नियति का होता है भाग्य। नेक्स्ट है इति और इत। इति का होता है अंत, और इत मीन्स होता है इधर। नेक्स्ट है धूत या दूत। धूत का होता है जुआ, और दूत का होता है संदेश, वाहक। नेक्स्ट है अन्न। अन्न और अन्य। अन्न का होता है अनाज, और अन्य का होता है दूसरा। अभय और उभय। अभय का होता है निर्भय या निडर, उभय का होता है दोनों। नेक्स्ट है पवन और पावन। पवन मीन्स होता है हवा, और पावन मीन्स होता है पवित्र। नेक्स्ट है पावक और पावस। पावक मीन्स होता है आग, और पावक मीन्स होता है पावस मीन्स होता है वर्षा ऋतु। पावस मीन्स होता है वर्षा ऋतु। नेक्स्ट है प्रणय। प्रणय और परिणय। प्रणय मीन्स होता है प्रेम या प्रतियुक्त, परिणय मीन्स होता है विवाह। तो इस वीडियो में हम लोग केवल 85 देखेंगे, और इसके पार्ट टू में हम लोग 15 और करेंगे, और जिससे हमारे 100 जो है संयुग्मी प्रश्न कवर होंगे। ओके।